हे गाइस, सो वेलकम एंड वेलकम टू द ई लर्नम। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि CSIR ने बम तो फोड़ दिया सर पे। अब बम फोड़ दिया क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम ये हो रही है कि ICMR का एग्ज़ाम है और CSIR ने आज जो है आंसर की रिस्पॉन्स शीट ला के आपको बिजी कर दिया है। सो फॉर दोज गाइस हु आर अपेयरिंग फॉर टुमारो एग्जामिनेशन ICMR एग्जामिनेशन, उन सभी लोगों के लिए एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि देखो, जो करना था आपने कर लिया है, वो चेंज नहीं होने वाला है। जो भी करना था वो आपका हो चुका है, वो अब चेंज नहीं होगा। चाहे आप 110 नंबर लेके आ रहे हो, 120 लेके आ रहे हो, 150 लेके आ रहे हो या 90 लेके आ रहे हो, वो तो उतने ही लेके आ रहे होंगे। और एक्चुअल कट ऑफ अभी भी डिसाइडेड कोई नहीं कर सकता, वो CSIR ही डिसाइड करेगा कि एक्चुअल कट ऑफ क्या होगा। तो आप इन चीज़ों में फंसने की बजाय क्लेम आप कल के बाद भी कर सकते हो। 5 तारीख तक समय दिया गया है। कई सारे क्वेश्चन जो हैं क्लेम करने लायक, वो मैं डिस्कस कर दूंगा अगर पॉसिबल होगा तो। अगर आपने ICMR के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे और कर रहे हैं तो इट्स बेटर गाइस कि आप जो है कूल रहें आज के दिन, पैनिक ना हो, अपना मोरल डाउन ना करें। क्योंकि अगर आपका पेपर जिनका अच्छा हुआ तो ठीक, जिनका थोड़ा सा अगर गड़बड़ होगा तो मोरल डाउन हो जाएगा और इस मोरल डाउन से आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन होगा। शायद कल का एग्ज़ाम आप इससे ख़राब भी कर सकते हैं। इसलिए अपने कॉन्फिडेंस को गिरने ना दें, अपने कॉन्फिडेंस को पकड़े रहें। ये एग्ज़ाम जैसा हुआ, जो हो गया हो गया, कल जो एग्ज़ाम होने वाला है उस पर ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी है। तो डरने का नहीं, मोरल डाउन नहीं करने का, अच्छा करने का। यू कैन, आई नो यू हैव द कैलिबर और आप, मुझे पता है कि आप कर सकते हो। अपने अंदर के एनर्जी को पहचानो, आपके अंदर सब कुछ है, आपके अंदर किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। बस ध्यान लगाओ, काम रखो अपने आप को, आंखें बंद करो, डीप ब्रीदिंग लो और फील दैट यू कैन डू इट। जितना भी पढ़ा लिखा है, जितना भी मेहनत किया है, उस चीज़ को कल जाके अप्लाई करो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कल भले ही CSIR अच्छा हुआ ना हो, ICMR आप अच्छा कर सकते हैं अगर अपने कॉन्फिडेंस को, अपने प्रिपरेशन को सही तरीके से आपने किया है तो। अगर सही तरीके से किया है तो कल फोड़ के आइए और कोई टेंशन मत लीजिए। ये एग्ज़ाम जो होना था हो चुका, कल के बारे में हमें फोकस करना है। कल हम अच्छा कर सकते हैं, डेफिनेटली अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोगों के लिए मेरी ढेर सारी विशेज है कि आप जाएं और एग्ज़ाम फोड़ के आएँ, एग्ज़ाम क्रैक करके आएँ, एग्ज़ाम जो है जो कॉन्कर कर दे पूरी की पूरी तरीके से। लगना चाहिए कि हाँ, मैं जो है हारा नहीं हूँ, ठीक है। कहते हैं ना बार बार लाइन, मैं बोलता रहता हूँ कि मंजिल तक पहुँचने से पहले रुक जाए मेरे कदम, मंजिल तक पहुँचने से पहले रुक जाए मेरे कदम, ये मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं। फैसला होने तक हार कैसे मान लूँ, जग अभी जीता नहीं, मैं अभी हारा नहीं। सो आप लोग जो है ये एनर्जी बना रखे रहिए। किसी की ज़रूरत नहीं है आपको, आप खुद में काबिल है उतने और आप डेफिनेटली उस चीज़ को कर सकते हैं। मेरी मानिए तो आंखें बंद करिए, छोड़ दीजिए इन सब चीज़ों को, कूल रहिए, कुछ अच्छी चीज़ें करिए और डेफिनेटली ICMR का एग्ज़ाम देना है तो जाइए और फोड़ के आ जाइए ICMR को। तब यही अच्छा जुनून होगा और यही अच्छा होगा कि मैं जो इस हालातों में जहाँ पर कुछ और बम फोड़ा गया था, मैं उनसे निकल के ICMR के एग्ज़ाम को क्रैक किया। सो गाइज, ऑल द बेस्ट वंस अगेन टू ऑल द एस्पिरेंट्स जो कि CSIR एग्जाम से थोड़े से डरे हुए थे बट ICMR प्रिपेयर करने जा रहे हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द ICMR एस्पिरेंट्स जो कि कल ICMR का एग्जाम दे रहे हैं। फोड़ दीजिए ICMR के एग्जामिनेशन को और दिखा दीजिए कि आप में वो जुनून है, आप में वो एनर्जी है, आप में वो चीज़ है, आप में वो जज्बा है कि आप कर सकते हैं। बिल्कुल मत भूलिएगा कि हौसलों से लड़ना है, तुझको पीछे छोड़ना है, करना है तो करना है, तुझको ना अब डरना है, मुश्किलों से लड़ना है, करना है तो करना है, मंजिल हासिल करना है, सबको पीछे छोड़ना है, आगे तुझे अब बढ़ना है, करना है तो करना है। सो डेफिनेटली गाइज, करेंगे आप और अच्छा करेंगे। ऑल द बेस्ट।